तो है गाइस, फिर से अपन वही छत पे बैठे हैं, जिम से आए हैं। अभी आज थोड़ी हवा भी चल रही है, लेकिन सही है, धूप आ रही है, बढ़िया आ रही है, लेकिन ठंड बहुत है। 6-7 डिग्री हो रहा है यहाँ पे, तो पता नहीं क्या हो रहा है। चलो, आज अपना वीक का सेकेंड दिन था, तो सेकेंड दिन तो अपना था चेस्ट और ट्राइसेप। चेस्ट और ट्राइसेप था पहले अपने की चेस्ट ट्रेन। चेस्ट में पहली एक्सरसाइज अपन ने की इंक्लाइन डंबल प्रेस। बेंच मैं करता नहीं, बेंच मेरे को फील नहीं होता यार, क्या बताऊँ। अब सबका अपना होता है, उसमें बेंच में ये होता है कि मतलब मूवमेंट कितना ही सही कर लो, कुछ भी कर लो, लेकिन फील नहीं होता। डंबल में तो ये अपन अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते, थोड़ा ऊपर नीचे, थोड़ा डीप और जा सकते हैं, और डंबल को भी टेढ़ा मेढ़ा कर सकते हैं। रोड तो फिक्स हो गया ना, तो वो वैसे सबका अपना अलग अलग होता है, लेकिन मैं डंबल प्रेफर ज़्यादा करता हूँ, तो वही है। तो इसके मैंने 3 सेट किए, पहले तो 2 मैंने वार्म अप सेट लगाए, सेट लिए, फिर मैन वर्किंग सेट मैंने पहला लिया 27.5 से, फिर उसके बाद अगले दो सेट मैंने किए 30-30 kg से। अब ये वेट लेने को अपन और भी ले सकते हैं, लेकिन वही है ना यार, अगर आपके पोजिशन पोस्चर वो वेट ख़राब कर रहा है, मतलब आप पूरा अपना पैरों को ऊपर नीचे करके, हाथ को शोल्डर का ये रोटेशन पूरा, क्या बोलते हैं उसको, डिट्रेक्शन वगैरह अगर अपन ये करते हैं पीछे, इसको यही अगर ख़राब हो जा रहा है, तो वो करने का मतलब क्या है। तो फिर अपने सेकंड एक्सरसाइज में चला गया मैं। सेकंड एक्सरसाइज थी पैक डेक। मैं मतलब इस हिसाब से करता हूँ, जैसे पहले मैंने लगाई प्रेसिंग मूवमेंट, फिर मैंने एक लगा दी फ्लाई मूवमेंट, फिर मैंने दोबारा प्रेसिंग मूवमेंट लगा दी, फिर एक और फ्लाई मूवमेंट, बस इतने में चेस्ट हो गया मेरा। अब मैं ओवर ट्रेन भी नहीं करता, क्योंकि चेस्ट मेरी ऐसी थोड़ी सी वीक है, तो इसको पूरा प्रॉपर टेक्निक के साथ, पूरा ऐसे फोकस के साथ ट्रेन करना पड़ता है मेरे को, तब जाके ऐसा थोड़ा बहुत इसमें मेरे को फ़र्क दिखाई दे रहा है, वरना तो वो टाइम हो गया चेस्ट में मेरे को इतना इम्प्रूवमेंट दिखा नहीं, लेकिन ठीक है, अब थोड़ा इम्प्रूवमेंट हो रहा है। फिर सेकेंड एक्सरसाइज मैंने पैक डेक की, और एक तो ये अंकल इतनी बार आ गया है ना, ये इसकी रिकॉर्डिंग करते वक्त आज इतनी जिम में इतनी भीड़ थी ना, सही बता रहा हूँ, जिम में इतनी भीड़ थी, मतलब वरना तो ऐसे होता है कि मतलब एक बार देख करके, मतलब एंगल अपने सेट किया सही नहीं है, दोबारा रख लेती दोबारा रख लिया, फिर सही नहीं आ रही तो दोबारा एडजस्ट कर, लेकिन आज इतनी भीड़ थी ना, क्या ही एडजस्ट कर ली, कभी कोई आगे आ रहा है, कभी कोई आगे आ रहा है, तो उसका इतना मतलब नहीं था। फिर मैं थर्ड एक्सरसाइज मैंने की फ्लैट डंबल प्रेस। फ्लैट डंबल प्रेस तो मैंने नॉर्मली अपन सब करते हैं वही की है, फिर लास्ट एक्सरसाइज थी अपनी केबल फ्लाई।
उसके बाद मैं आ गया ट्राइसेप पे। ट्राइसेप की मैंने तीन एक्सरसाइज की। पहले तो मैंने की डम, ये अपन बोलते हैं ना इसको स्कल क्रशर, स्कल क्रशर में ये है कि रोड से करते, मैंने डंबल से किया क्योंकि भाई बारबल वाली बात है कि बारबल फिक्स रहती है, डंबल में अपन अपने हिसाब से मूवमेंट दे देते हैं आराम से, कैसे भी कर लेते हैं, तो डंबल प्रेफर ज़्यादा करता हूँ मैं रोड से। तो इसके बाद मैंने की डंबल किक बैक बेंच पे सपोर्ट लेके ताकि पूरी बॉडी रेस्ट पे हो जाए और पूरा फोर्स पूरा पूरी फील ट्राइसेप पे आए। फिर थर्ड एक्सरसाइज थी मैंने वी बार हैंडल से पुश डाउन के, ट्राई से पुश डाउन, वो हैंडल चेंज होता रहता है, कभी स्ट्रेट ले लेता हूँ कभी वी बार ले लेता हूँ ताकि थोड़ा बहुत चेंज कर चलता रहे, बस ये था। फिर स्ट्रेचिंग रही, थोड़ी पोजिंग कर ली, फिर आ गई घर पे। अब ये पी रहे हैं, थोड़ी धूप ले रहे हैं।